नमस्कार दोस्तों, रोटी ना सिर्फ केवल पेट भरने के काम आती है, ये हमारी किस्मत चमकाने के भी काम आती है। जी हाँ, रोटी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पेट की भूख तो मिटाती है, हमारी किस्मत में आने वाली कई सारी जो समस्याएं होती है उन्हें भी दूर करती है। आज मैं आप लोगों को रोटी के कुछ ऐसे टोटके बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। नज़र अगर लगी हुई है उस समस्या को दूर कर सकते हैं, धन धान्य प्राप्त कर सकते हैं, करियर में अगर रुकावट आ रही है वो प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है रोटी से जुड़े हुए टोटके? जी हाँ, सिंपल रोटी से जुड़े हुए टोटके जो कि हम भी खाते हैं डेली, घर में सभी के बनती है रोटियां, तो इन टोटकों को कर आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो क्या है, चलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूं। तो दोस्तों, रोटी का सबसे पहला टोटका, अगर आपके घर में कोई बच्चा है या फिर कोई बड़ा भी जिसकी डाइट धीरे से कम हो गई है, जिसको खाना नहीं भा रहा है या फिर बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, आपको लगता है कि उसे नज़र लग गई है, नज़र की वजह से बच्चा खाना खाना छूट गया है, तो आप क्या करना है, एक रोटी लेना है, उस पर लगाना है थोड़ा सा तेल। जी हाँ, जो भी आपके घर में रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं, सोयाबीन, मूंगफली, जो भी ऑयल यूज़ करते हैं जिससे सब्जी बनाते हैं, वो तेल उस रोटी पर लगा लीजिए। उस पर छोटा सा गुड़ का डिल्ली रख लीजिए, रोटी पर गुड़ की डिल्ली रख लीजिए। बच्चे के ऊपर से 11 बार आपको उस रोटी को वार देना है, उसके बाद में ये रोटी आपको काले कुत्ते को खिला देनी है, काले कुत्ते को ही खिलानी है। इससे बच्चे की नज़र पूरी तरह से उतर जाएगी, बच्चा अगले ही दिन से अच्छे से खाना खाने लगेगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल टोटका है ये बच्चे की नज़र उतारने के लिए, इसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नज़र अगर बच्चे को लगी है तो वो खाना नहीं खा पाएगा। और नज़र तो बच्चे को कहते हैं माँ की भी लग जाती है। कई बार होता है हम माएँ बच्चा खाना खाता रहता है, हम माँ मन में ही सोच लेते हैं कि बच्चे ने आज तो ठीक से खाना खा लिया, इसी से बच्चे को नज़र भी लग जाती है। तो इस टोटके को कीजिए, बच्चे की नज़र जल्दी से उतर जाएगी। रोटी का दूसरा टोटका है, अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन धान्य की कमी ना हो, सुख संपत्ति आती रहे, आपके घर में जितना भी इनकम हो रही है उसमें बढ़ोतरी होती रहे, बरकत होती रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, रोज हम रोटी बनाते हैं तो शुरू की 4 रोटी आपको ले लेनी है। अगर आप 4 रोटी नहीं निकालना चाहते तो आप 1 रोटी के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप शुरू की 4 रोटी ले लीजिए या फिर 1 रोटी के 4 टुकड़े कर लीजिए। अब उसमें से आपको पहला टुकड़ा रखना है गाय का, ठीक है, वो पहला टुकड़ा आपको देना है गाय को, दूसरा टुकड़ा आपको देना है कुत्ते को, तीसरा टुकड़ा देना है कौवे को, और चौथा टुकड़ा आपके घर के आसपास जो भी चौराहा हो या फिर तिराहा हो वहां पर चुपचाप रख आना है, ठीक है। अगर आप 4 रोटी निकालते हैं तो 1 रोटी गाय की, 1 कुत्ते की, 1 कौवे की, और चौथी रोटी जो है वो चौराहे पर आपको रख आना है। इससे आपके घर में बरकत भी होगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी, और साथ ही आपको सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। इस उपाय को भी जरूर करके देखिएगा। तीसरा उपाय है, अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है तो उसका निवारण अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का, आपको लगता है कि मुझे जो भी समस्याएं आ रही है वो मेरी कुंडली की वजह से आ रही है, तो उसका निवारण अगर आप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, घर में जब भी रोटी बनती है तो जो आखिरी रोटी रहे उस पर तेल लगाकर, सरसों का तेल, ठीक है, आखिरी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर आपको भूरे कुत्ते को खिला देनी है। भूरा कुत्ता, ब्राउन कलर का जो कुत्ता होता है, उसे आपको उस रोटी को खिला देना है। इससे आपके कुंडली में जो भी दोष होगा उसका निवारण हो जाएगा। बहुत ही कारगर उपाय है ये भी, करियर से लेकर या फिर कुंडली से लेकर, कुंडली में अगर कोई समस्या होती है जिससे शादी नहीं होती है, करियर में समस्याएं आती है, सुख संपत्ति धन धान्य वगैरह नहीं आते हैं, तो अगर आपको लगता है आपकी कुंडली में कोई परेशानी है तो इस टोटके को आप फॉलो कर सकते हैं। अब चौथा उपाय है, अगर आपको आपके करियर संबंधी समस्या आ रही है, मतलब आपकी जॉब नहीं लग रही है, आप किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह की अगर आपको समस्या है तो आपको क्या करना है, घर में जब भी खाना बनता है, रोटी बनती है, तो जो तीसरा नंबर की रोटी रहती है, जो तीसरा नंबर पर रोटी बनती है, उसे आपको लेनी है और अपनी दो उंगलियां, ठीक है, ये जो दो उंगलियां होती है, एक जो बड़ी उंगली और एक अंगूठे के पास वाली उंगली, इन दो उंगलियों से आपको उस रोटी पर तेल, इस दो उंगलियों को आपको तेल में डुबाना है और उस रोटी पर सीधी लाइन खींच देनी है तेल से, ठीक है। इन दो उंगलियों को तेल में डिप करके उस रोटी पर सीधी लाइन खींच देनी है, फिर इस रोटी को आपको काले कुत्ते को खिला देना है। इससे अगर आपको आपके करियर में कोई भी रुकावट आ रही है, जो बाधाएं बनी हुई है, वो इससे आपके लाइन खींचने से कट जाएगी, आपके करियर संबंधी जो भी रुकावट होगी वो खत्म हो जाएगी, आप जो भी सफलता पाना चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगी।
पांचवा उपाय है, अगर आप दरिद्रता से बचना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, कमाते तो खूब है पर बचत नहीं हो पाती, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रोज दो रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर किसी भी गरीब व्यक्ति को देना है। मतलब किसी भी गरीब व्यक्ति को रोज आपको रोटी और गुड़ खिलाना है। दो रोटी आपकी श्रद्धा पर है, कम से कम दो रोटी तो आपको खिलाना ही है, और फिर आपकी श्रद्धा है, अगर आप ज़्यादा खिला सकते हैं तो ज़्यादा भी खिलाइए। किसी भी गरीब व्यक्ति को रोटी और गुड़ आप रोज खिलाएं, आप एक महीने में ही अंतर देखेंगे, आपके घर में अगर बरकत नहीं हो रही है बरकत होने लगेगी, साथ ही आपका घर सुख संपत्ति धन धान्य से भरपूर होगा। तो रोटी के ये जो मैंने आपको पांच टोटके बताए, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं, हर तरह की समस्या का समाधान इन पांच टोटकों के अंदर आ गया है। अगर आपको ये टोटके पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आप इसी तरह के और भी कई जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। बनवाएं अपना खुद का बेहतरीन न्यूज पोर्टल, तेज आसान और सभी लोगों तक पहुंचाएं अपनी खबरें, कभी भी और कहीं भी सबसे तेज सबसे पहले, न किसी बड़े सेटअप की जरूरत न ही किसी टीम की, बढ़ाएं अपना नेटवर्क और करें ऑनलाइन और ऑफलाइन इनकम, बनवाएं अपना स्वयं का न्यूज पोर्टल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999906109 पर ई मीडिया वेब एंड ऐप।